क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कोई फिल्म मेकर्स अपने फिल्म में किसी डिसेबल्ड पर्सन का मजाक नहीं उड़ा सकता, ऐसा कहना है देश के टॉप कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का। कोर्ट का ये स्टेटमेंट आया है 2023 में रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म आंख मिचौली के अगेंस्ट एक प्ली के हियरिंग के दौरान। पिटिशनर ने क्लेम किया था कि फिल्म आंख मिचौली डिसेबल्ड लोगों को मिसरिप्रेजेंट करती है और उनके कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट्स और सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 एंड द राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज को वायलेट करती है। विजुअल मीडिया में डिसेबल्ड लोगों के पोर्ट्रेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है और कहा है कि डिसेबल्ड लोगों का मजाक के तरीके से रिप्रेजेंट करना काफी प्रॉब्लमैटिक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने वर्डिक्ट में ये क्लियरली बोला है कि आप जो स्पेशल डिफरेंटली एबल जो लोग होते हैं जिनकी डिपिक्शन जो है हमारी फिल्म्स और सीरियल्स और टीवी सीरियल्स और अलग अलग जगह जैसे कास्ट किया जाता है वो हमेशा एक पेटी फीलिंग के साथ कास्ट किया जाता है कि अजीब तरीके की, कभी कभी उनको एक फनी कैरेक्टर की तरह भी यूज किया जाता है। तो चीफ जस्टिस ने जब ये आंख मिचौली जो जो फिल्म थी इसको ओपन कोर्ट में वॉच किया था और ये देखा पाया था कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी सी थोड़ा इशू करती हैं और ऐसे में सेंसिटिविटी की डिमांड होनी चाहिए क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये हमारे जैसे लोग ही होते हैं, क्योंकि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना अपने बहुत सारे वर्डिक्ट्स में ये स्पेशल एबल डिफरेंटली एबल लोगों के लिए बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे पास किए थे और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने वर्डिक्ट में गाइडलाइंस इशू करी है और ये बोला है सरकार को कि सरकार जो है वो पूरी तरह से कोशिश करे कि इन लोगों को ऐसे फनी तरीके से पोर्ट्रे ना किया जाए। इस केस में जो पिटिशनर थे निपुण मल्होत्रा वो खुद भी एक डिफरेंटली एबल पर्सन है। इसमें डिफेंस का क्या आर्गुमेंट था कनु, क्योंकि ये भी एक बात सही है क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका भी कहीं ना कहीं तो एक तरह का इंफ्रिंजमेंट है क्योंकि डायरेक्टर अपने क्रिएटिव फ्रीडम को किस तरीके से वो यूज कर सकता है और इट बिकम्स कि आप कॉमेडी मूवी में डिसेबल्ड पर्सन को दिखाई नहीं सकते, इस तरीके का ये एक बिल्कुल ही रोक लग जाएगा। देखिए, इस केस में सोनी पिक्चर्स जो है वो एक कंटेंडिंग कंटेस्टिंग पार्टी थी जिसने आंख मिचौली फिल्म का प्रोडक्शन किया था, तो उनका ये कहना था कि हमने डिस्क्लेमर दे रखा है, डिस्क्लेमर देने से हम अपनी इस लायबिलिटी से बच जाते हैं। पर मैंने आपको जैसे बताया कि कोर्ट ने इस मूवी को खुद ओपन कोर्ट में देखा था और ये माना कि जिस तरह से डिपिक्ट किया गया है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि ये वही अदालत है जिसने कई बार जो है जो मूवीज है उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अपहोल्ड किया है और ये कहा है कि डायरेक्टर्स जो है वो कुछ भी पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाकई में एक डिफरेंटली एबल लोगों को गलत तरीके से दिखाया गया था, इसकी वजह से ही सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़ के एक ऑर्डर पास करना पड़ा और ये बताना पड़ा कि आप यूज कीजिए। उन्होंने मना नहीं किया है, अगर आप गाइडलाइंस को देखें तो मना नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि उनको भी एक सम्मान की दृष्टि से उनको पोर्ट्री किया जाए और जिस तरह से उसका मजाक उड़ाया गया है इस पर्टिकुलर मूवी में ऐसा आगे से ना हो इसके लिए गाइडलाइंस लाई गई है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि गाइडलाइंस ऑलरेडी प्लेस में है, ऐसा नहीं कि गाइडलाइंस नहीं है। आप कैसे जैसे बच्चों को जैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं टीवी शोज में, सीरियल्स में और ये सब चीज़ों में, उस पर भी गाइडलाइंस है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बनाई गई थी। और इसमें बहुत सारी एजेंसीज हैं, NCW वगैरह बहुत सख्त हैं इस मामले में कि आप ऐसे बच्चों को पोर्ट्रे नहीं करते। तो सिमिलरली ऐसी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने अब डिफरेंटली एबल लोगों के लिए भी निकाली है। हिंदी फिल्मों में कॉमेडी के नाम पे अक्सर डिसेबल्ड लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, इसके खिलाफ पहले भी कई डिबेट्स हो चुके हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है ये समझते हैं फिल्म क्रिटिक सना फरजीन से। एब्सोल्युटली इट्स अ वेलकम जजमेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं हम जिस तरह से डिसेबल्ड लोगों को प्रोजेक्ट करते हैं अपने फिल्मों में वो बहुत ही कॉमिकल वे में हो जाता है, हमेशा यूजली मजाक उड़ाने के जोन में चले जाते हो। जो ये फिल्म है आंख मिचौली उसका वो भी उस तरह की है कि आप इतने सारे डिसेबिलिटी को एक साथ लेकर आए हो एक फिल्म बनाने के लिए, विच मीन्स कि यू वांटेड टू बी अ ह्यूमर एलिमेंट, जो कि बहुत गलत है। डेफिनेटली एक फ्रीडम आप
फ्रीडम की बात करते हो एक फिल्म मेकर की, तो वो कहीं ना कहीं कब होगी, बट आई थिंक इट वुड बी फॉर अ बेटर रीजन कि कहीं ना कहीं मोर फिल्म मेकर्स विल रीड अबाउट डिसेबिलिटी. जो स्टीरियोटाइप हम यूजली देखते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेगा. सो इट्स अ वेलकम चेंज, एंड इफ इट्स कर्बिंग द फ्रीडम, आई थिंक इट्स कर्बिंग फॉर द राइट वे. क्योंकि द क्वेश्चन इज कि ये जो सेंसिटिविटी भी जो है वो इट्स वेरी सब्जेक्टिव, यू नो, समथिंग व्हिच कैन बी इनसेंसिटिव टू यू मे नॉट बी इनसेंसिटिव टू अदर्स. ये डिपेंड करता है कि आपकी फिल्म किस तरह की है. जैसे जब आप कॉमेडी फिल्म बना रहे हो तो आप उस पे वो सिंपैथी गेन नहीं कर सकते हो, या वो सेंसिटाइज करके जस्ट टू शो कि उनका वो सैड स्टेट क्या है वो आप नहीं दिखा सकते हो. आपको वो एक फनी वे में ही उससे खेलना पड़ेगा, उस डिसेबिलिटी को. बट जिस तरह की फिल्म हमने शायद पहले देखी है, संजय लीला भंसाली ने 3 फिल्में ब्लैक, गुजारिश और ऑफ कोर्स खामोशी बनाई है, तो उन्होंने वो ड्रामा एलिमेंट और वो इमोशनल एंगल खेला है. सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन की फिल्म किस तरह की है. गोलमाल जैसे आपने राइटली मेंशन किया, जॉनर पे डिपेंड करता है, जॉनर पे डिपेंड करता है. जैसे तुषार कपूर का वो जो एंगल था वो कॉमेडी एलिमेंट ही लाने के लिए था, दैट वॉज जस्ट फॉर लाफ्टर. बट वो ऑफकोर्स हम हंस रहे हैं, बट जो शायद वो इस सिचुएशन पे है, जो ये डिजीज से डील कर रहे हैं, उन्हें ऑफ कोर्स ये इमोशनल लगेगा कि यार ये मेरा मजाक क्यों बना रहे. सो ये बहुत ही एक थिन लाइन है कि आप सेंसिटिविटी और फिल्म पे जो पॉइंट है बहुत थिन लाइन है, बट वो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द इंटेलिजेंस ऑफ द फिल्म मेकर कि वो किस तरह से इसको यूज करेंगे और किस तरह से ऐसा करेंगे कि जो ज्यादा लोगों को वो मे बी इफेक्ट ना करें.